तो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1115 के अर्ली स्पॉयलर्स हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं, और ना सिर्फ हमें इस चैप्टर में भी वेगापंक की तरफ से काफी ज्यादा शॉकिंग रेवलेशन देखने को मिलने वाले हैं बॉयड सेंचुरी और जॉय बॉय से रिलेटेड, बल्कि हमें इस चैप्टर के एंड आते आते काफी मेजर चीज भी देखने को मिलने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो सबसे पहले ये वाला चैप्टर भी उसी तरीके से स्टार्ट होता है जैसे कि बाकी अदर चैप्टर हमें देखने को मिले थे, जहां पर जो दुनिया भर के लोग हैं उनके रिएक्शन हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलने वाले हैं वेगापंक के मैसेज को लेकर। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में मार्स और नेज़ुचूरो भी एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर मार्स सबसे पहले कॉनकर हाकी का यूज़ करता है और जितने भी देंदन मुशी हैं उन्हें नॉकआउट कर देता है। इसके अलावा नेज़ुचूरो पंक रिकॉर्ड्स को दो भाग में अपनी तलवार के जरिए कट कर देता है और सारे सेराफिम्स को रिलीज भी कर देता है। लेकिन जो मेजर चीज़ हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है वो है वेगापंक का मैसेज, जिसमें वो सबसे पहले बोलता है कि पोनीग्लिफ्स जो कि इस दुनिया भर में फैले हुए हैं वो उस बैटल के बारे में दुनिया को बताते हैं जो कि बॉयड सेंचुरी में हुआ था, और जिसके बाद वो बोलता है कि ये बैटल दो टाइप के आइडियाज़ के बीच में हुआ था, लेकिन वो ये 100% श्योर नहीं है कि उन दो आइडियाज़ में से एक्चुअली में कौन राइट था या कौन रॉन्ग था। इसके बाद वेगापंक आगे बोलता है कि बॉयड सेंचुरी का एंड तब हुआ था जब जॉय बॉय की डिफीट हुई थी, लेकिन इसके बाद जो वो मेजर अनाउंसमेंट करता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि जिसमें आगे वो ये बात बोलता है कि उस वॉर ने पूरी दुनिया को और उनके कॉन्टिनेंट्स को जो कि 1000 साल पहले थे उनको 200 मीटर तक सिंक कर दिया था, और जो हम आज के आइलैंड्स देखते हैं वो सिर्फ उन सारे मैसिव कॉन्टिनेंट्स के फ्रेगमेंट्स हैं। और ये जब मैंने चीज़ इस चैप्टर के स्पॉइलर में पढ़ी तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि इससे हमें ये बात पता चल गई है कि 1000 ईयर एगो पहले जब वॉर्ड सेंचुरी थी उस टाइम पर जितने भी आइलैंड्स थे वो बिना किसी सी के एक दूसरे से जुड़े थे, और जब ये वॉर्ड सेंचुरी में हमें देखने को मिला ईमू और जॉय बॉय के बीच में, तो सी का लेवल 200 मीटर तक बढ़ गया, और जितने भी आइलैंड हमें आज देखने को मिलते हैं पानी से घिरे हुए वो सिर्फ उस चीज़ के फ्रेगमेंट्स हैं, जिसका मतलब ये 100% कन्फर्म ही है कि ये जो रेड लाइन है वो एक्चुअली में बॉयड सेंचुरी के बाद क्रिएट की गई है, और जिसका मेन रीज़न यही है कि अगर दोबारा से ईमू मदर फ्लेम या किसी और वेपन का यूज़ करेगा बल्ले के ऊपर, और अगर और भी ज़्यादा मीटर पानी राइस करेगा तो रेड लाइन बची रहे और जिससे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स का जो पेंजिया कासल है वो सलामत रहे, भले ही बाकी पूरी दुनिया पानी में डूबी क्यों ना जाए। इसके बाद वेगापंक ये भी कहता है इस चैप्टर में कि अभी तक ये वॉर एंड नहीं हुआ है, और जो एंशियंट वेपन है वो इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर का एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें इसमें देखने को मिलने वाली है वो है इसके लास्ट पेज को लेकर, जहाँ पर हमें ईमू का फेस रिवील देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसमें सिर्फ यही एक छोटी सी ओडा सेंसे की तरफ से फैंस को लेकर ट्रिक है कि उन्होंने उसका चेहरा एक्चुअली में दिखाया नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा स्टिल शैडो में ही है। लेकिन इन स्पॉयलर्स को देखने के बाद मैं 100% ये श्योर हूँ कि हमें अपकमिंग जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें ना सिर्फ ईमू का फेस रिवील 100% देखने को मिलेगा, और इसके अलावा हमें जो एंशियंट वेपन है जिनके बारे में पूरी दुनिया वाले नहीं जानते हैं उनकी जानकारी भी पूरी तरीके से हमें देखने को मिलेगी, और हमें फाइनली पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो भी एंशियंट वेपन है वो कौन कौन से हैं। बाकी आपका क्या कहना है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर के अर्ली स्पॉयलर्स को लेकर, बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।